सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको हम ऑल्टरनेटर भी कहते हैं। अब देखो, जहाँ भी पावर जनरेशन की बात होती है, पावर जनरेशन के लिए हम सिंक्रोनस जनरेटर का ही इस्तेमाल करते हैं या ऑल्टरनेटर का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन हो, हाइड्रो पावर स्टेशन हो या कहीं भी पावर जनरेशन की बात हो, तो आप सिंक्रोनस जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक वर्ड आ रहा है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस का मतलब है कि जितने भी ये अल्टरनेटर्स होते हैं, ये एक फिक्स स्पीड पे रन करते हैं, जिसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। अभी सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, मैं अभी आगे डेफिनेशन आपको बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें। इसमें भी अदर देन रोटेटिंग मशीन्स, बाकी जो अदर रोटेटिंग मशीन्स होते हैं उन्हीं के जैसा, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, स्टेशनरी पार्ट और रोटेटिंग पार्ट, ठीक है? इसमें भी आपके स्टेशनरी पार्ट एंड रोटेटिंग पार्ट। स्टेशनरी पार्ट को आप यहाँ पर भी स्टेटर कहेंगे और रोटेटिंग पार्ट को आप यहाँ पर अगेन यहाँ पर रोटर कहेंगे, ठीक है? अब देखो, डीसी मशीन में आपने क्या किया था कि रोटर में आर्मेचर को रखा था और स्टेटर में आपने फील्ड को रखा था। डीसी में हमने क्या किया था, स्टेटर में स्टेटर में हमने फील्ड को रखा था और रोटर में हमने आर्मेचर को रखा था, डीसी मशीन में। अच्छा, ऐसा क्यों जरूरी है कि हम डीसी मशीन में आर्मेचर को रोटर में ही रखें? देखो, डीसी मशीन में यही कॉन्फ़िगरेशन कंपलसरी है, बिकॉज आर्मेचर जब तक रोटर में नहीं होगी तब तक कम्यूटेशन प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। कम्यूटेशन, जिसको हम एसी को डीसी में मैकेनिकल तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो कम्यूटेशन इज नॉट पॉसिबल जब तक आर्मेचर हमारी रोटेटिंग ना हो, आर्मेचर हमारा रोटेट ना करे। तो इस वजह से ये कंपलसरी है कि आर्मेचर हमारी रोटेटिंग पार्ट में हो। लेकिन सिंक्रोनस मशीन में अगर बात करें हम, सिंक्रोनस जनरेटर में, तो सिंक्रोनस जनरेटर में स्टेशनरी पार्ट में हम आर्मेचर को रखते हैं, ठीक है? आर्मेचर हमारी स्टेशनरी होती है और रोटर पार्ट में इसमें हम फील्ड को रखते हैं, मतलब फील्ड वाइंडिंग हमारी रोटर पार्ट में होती है। ऐसा क्यों? एक तो है कि देखो, आर्मेचर की जो, वैसे इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, 9-10 रीजन है, लेकिन उतना डिटेल हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। मोटे तौर पे देखो, आर्मेचर की जो साइज होती है बहुत ज़्यादा होती है, हेवी साइज होती है आर्मेचर की, ठीक है? हेवी साइज होने के कारण अगर आप इसको रोटर पार्ट में रखें और आप इसको रोटेट कराएं, तो देयर विल बी ह्यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी, इट विल डैमेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन। एक बात हुई। दूसरी बात है कि अगर आप आर्मेचर को रोटर पार्ट में रखो, तो एक चीज़ और है, आर्मेचर में चूंकि ये बहुत ही हेवी वोल्टेज पर ऑपरेट होती है, करंट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। हीटिंग के कारण हमें इसमें फ्लेक्सिबल वाटर ट्यूब कनेक्शंस, जैसे आप गांव में देखते होंगे आटा चक्की होता है, तो आटा चक्की में ठंडा पानी उसमें अंदर जाएगा उसको ठंडा करने के लिए, और फिर वही पानी बाहर गिरता है गर्म, जब वो बाहर गिरेगा तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो बार बार ठंडा पानी अंदर जाएगा और बाहर जो है वो गर्म पानी अंदर के हीट को एब्जॉर्ब करते हुए बाहर वो गिरता है। ये हम क्यों लगाते हैं? ताकि उसकी कूलिंग हो सके। अब कूलिंग भाई क्यों जरूरी है? कूलिंग इसलिए जरूरी है कि अगर कूलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो मशीन हीटअप होगी। हीटअप होने के कारण जो उसके आर्मेचर की वाइंडिंग है या उसमें जो वाइंडिंग है उसका इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। इंसुलेशन अगर डैमेज हो गया तो मशीन हमारी शॉर्ट कर जाएगी। तो आर्मेचर में एक तो आर्मेचर की हेवी साइज है, बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है, जिसको अगर आप रोटर पार्ट में रखोगे, रोटेट कराने की कोशिश करोगे, तो देर विल बी ह्यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच में डैमेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन। साथ ही साथ आर्मेचर को कूल करने के लिए भी हमें कूलिंग अरेंजमेंट लगाना है, तो आर्मेचर में भी हम फ्लेक्सिबल वाटर ट्यूब कनेक्शंस लगाते हैं, फ्लेक्सिबल वाटर ट्यूब कनेक्शंस। तो ये इजिली इंस्टॉल हम तभी कर सकते हैं जब आर्मेचर हमारी स्टेशनरी हो, रोटेटिंग नहीं हो। अगर आर्मेचर हमारी रोटेटिंग होगी, उसमें आप फ्लेक्सिबल वाटर ट्यूब कनेक्शन लगाएंगे, तो ये मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है। और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हम आर्मेचर को स्टेशनरी पार्ट में रखते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही एडवांटेजियस होता है, ठीक है? ऐसे आप याद रखेंगे। और जो फील्ड वाइंडिंग है, इसको हम रोटर में रखेंगे। फील्ड वाइंडिंग हमारी लो पावर होती है, जो फील्ड वाइंडिंग है इसकी पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लो पावर होती है इसकी। लो पावर होने के कारण वाइंडिंग हम इसमें कम इस्तेमाल करते हैं। अगर कम वाइंडिंग आप इस्तेमाल करेंगे तो हेवी नहीं होगी, लाइट होगी, लाइटर होगी, और लाइटर होने के कारण अगर लो पावर है
तो कम वाइंडिंग आप इस्तेमाल करेंगे, कम वाइंडिंग इस्तेमाल करने के कारण ये रोटर लाइटर होगी, और लाइटर होगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पे आप इसको रोटेट करा सकते हैं, और मोर आउटपुट कैन बी टेकन फ्रॉम द मशीन। जो मैंने बातें बताई है इसको अक्षरशः नोट कर लेना, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग इसमें कम पावर का इस्तेमाल करते हैं। फील्ड वाइंडिंग आपने पढ़ा था, मैंने बताया भी था कि फील्ड वाइंडिंग का मतलब डीसी सप्लाई, जो वहां पे वाइंडिंग है उसमें हम डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है। तो डीसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि अगर आर्मेचर में 11 kV पे पावर जनरेट हो रहा है, 11,000 वोल्ट पे पावर जनरेशन हो रहा है, तो फील्ड वाइंडिंग में जो डीसी सप्लाई देते हैं आप करीब करीब 500 वोल्ट के आसपास होती है। तो 500 वोल्ट बहुत ज़्यादा, मतलब आपको यहाँ पे वाइंडिंग की जरूरत नहीं है। मान लो आपने इसमें 1 MW की पावर सप्लाई दी है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग में, और आर्मेचर में आप करीब करीब 200 MVA का पावर जनरेट करते हैं, विच इज़ अ ह्यूज पावर, ठीक है। तो जो फील्ड वाइंडिंग है इसकी पावर कम होती है, पावर कम होने से जो हम वाइंडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं, तो रोटर हमारी लाइटर होगी, हल्की होगी, और अगर लाइटर रोटर है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पर रोटेट करा सकते हैं, और ज़्यादा आउटपुट, मोर आउटपुट कैन बी टेकन फ्रॉम द मशीन, ठीक है। सो सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर को हम स्टेटर में और फील्ड को हम रोटर में रखते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। अब बात करें हम किस तरह का कंस्ट्रक्शन लेते हैं। बोथ जो हमारी आर्मेचर है एंड फील्ड, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं स्टेटर एंड रोटर, ये जो दोनों है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मतलब क्या हो गया, ये हाई ग्रेडेड सिलिकन स्टील लेमिनेशंस। जो हमारे स्टेटर और रोटर है ये दोनों हाई ग्रेडेड सिलिकन स्टील लेमिनेशंस के बने होते हैं, पतले पतले लेमिनेशंस से बने होते हैं। हर एक दो लेमिनेशंस के बीच में माइका या वार्निस का एक इंसुलेशन का लेयर होता है, और उसको हम एक स्टैक करके फिर उसके या तो अंदर के हिस्से पे या तो बाहर के हिस्से पे हम स्लॉट्स कट करते हैं। अब देखो आर्मेचर के, यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर के, ध्यान से सुनना मेरी बात, आर्मेचर के इनर पेरिफेरी पे, अंदर के हिस्से पे हम स्लॉट्स कट करते हैं, ठीक है, और फील्ड के हम आउटर पेरिफेरी पे, बाहर के हिस्से पे हम स्लॉट्स कट करते हैं, ठीक है। आर्मेचर में अंदर के हिस्से पे हम स्लॉट्स कट करते हैं, उनमें हम कंडक्टर्स को रखते हैं, और वो कंडक्टर्स आपस में जुड़ करके वाइंडिंग बनाती है, ठीक है। और फील्ड में हम बाहर के हिस्से पे स्लॉट्स कट करते हैं, और उन कंडक्टर्स को आपस में जोड़ करके हम फील्ड वाइंडिंग बनाते हैं, ठीक है। तो देखो आर्मेचर के बाहर अंदर के हिस्से पे हम स्लॉटिंग करते हैं, मतलब कंडक्टर यहाँ रखा है, ध्यान से देखो मेरी बात, यहाँ पे कंडक्टर्स आपके रखे हुए हैं, ठीक है। ये जो इनर पेरीफेरी है, अंदर के हिस्से पे हमने कंडक्टर्स को रखा है, अब ये कंडक्टर्स आपस में जुड़ करके वाइंडिंग बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज, जो सिंक्रोनस जनरेटर है ये पावर जनरेशन 3 फेज के फॉर्म में करता है। अब भाई ये 3 फेज को यहाँ पे हम आर्मेचर में कैसे दिखाएं, समझो आप, ये मान लो पूरा कंस्ट्रक्शन इस तरह से, ये आपकी आर्मेचर है, तो पूरा आर्मेचर अगर आप इसको बात करो तो पूरा आर्मेचर दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में भी फर्क होता है, क्या फर्क होता है इतना डिटेल आपको नहीं जानना है, अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो थीटा इलेक्ट्रिकल दिस इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। ये आपके पास जानकारी के लिए मैंने बताया है, ये आपको डिटेल जानने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री दिस इज इक्वल टू P/2, P मतलब नंबर ऑफ पोल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल, मैकेनिकल डिग्री के बराबर। अब ऐसे समझो आप, आर्मेचर में, पूरा आर्मेचर में 360 डिग्री, ये एक सर्कल के तौर पर है। अब हमें इसमें 3 फेज वाइंडिंग देनी है। मान लो आर्मेचर में आपके, सपोज करो, सपोज फॉर एग्जाम्पल आर्मेचर में आपके 240 क्वाइल्स हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, आर्मेचर में 360 डिग्री है और पूरे आर्मेचर में 240 क्वाइल हैं, ठीक है। तो एक फेज में कितने क्वाइल हैं, अब समझो ये जो फेजेस हम बनाते हैं ना, ये फेजेस आपस में स्पेस में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होते हैं। 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां आर फेज, सपोज करो एक कंडक्टर आपने आर फेज में यहां रखा, दूसरा कंडक्टर आपने आर फेज में यहां रखा। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए कम से कम एक क्वाइल होनी चाहिए, एक क्वाइल, ध्यान से सुनना, कम से कम एक क्वाइल होनी चाहिए ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए। तो एक क्वाइल का मतलब कम से कम कितना कंडक्टर होना चाहिए, 2 कंडक्टर होना चाहिए। फिर से सुनो, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए आपके पास एक फेज में
कम से कम दो कंडक्टर होना चाहिए, एक क्वाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो आर फेज में ये है आपका आर और आर डैश, इसमें मान लो हमने आर फेज में एक कंडक्टर और दूसरा आर डैश कंडक्टर, तो आर फेज में हमने दो कंडक्टर लिया। तो क्वेश्चन है कि वाई फेज किधर होगा? स्पेस में इससे 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा, मतलब यहां से आप 120 डिग्री डिस्प्लेस करके आप फिर यहां पे आपने रख दिया वाई फेज, ये हो गया वाई। इसके अपोजिट में एक कंडक्टर आपने रखा, ये हो गया वाई डैश। ध्यान से समझिए, आर से आर फेज से 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने वाई फेज बनाया, ठीक है, और फिर वाई से 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट के बाद, फिर ये यहां से 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने बी फेज बनाया। बी में एक कंडक्टर रखा और इसके जस्ट अपोजिट हमने दूसरा कंडक्टर रख दिया बी डैश, ठीक है। मतलब मैंने यहां पे क्या किया है, तीन फेज लिया, हर एक फेज में दो दो कंडक्टर रखा और हर एक फेज को एक दूसरे से 120 डिग्री 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे हमने किया। इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड थ्री फेज, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर से मैं कहता हूं कि आर्मेचर में हम थ्री फेज पावर जनरेशन करते हैं, एक फेज को दूसरे फेज से 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे हम रखते हैं। अब समझिए आप, आपके पास अगर 240 क्वाइल्स हैं या 240 टर्न्स हैं पूरे मशीन में, ठीक है, क्वाइल्स है या टर्न्स है एक ही बात है, तो एक फेज में कितने टर्न हुए? आपके पास तीन फेज है, ठीक है, पूरे मशीन में 240 क्वाइल और तीन फेज, तो एक फेज में कितने टर्न्स, आपने इसमें तीन से डिवाइड कर दिया तो कितनी आ गई 80 क्वाइल्स, 80 क्वाइल आपके पास एक फेज में, ठीक है। दूसरी चीज, जो हम पावर जनरेशन निकालते हैं वो पावर जनरेशन हमेशा पर फेज निकालते हैं। जैसे आपने थ्री फेज सिस्टम पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, पर फेज में करते हैं, ठीक है। तो जैसे थ्री फेज है तो यहां पे तीन फेज हमारे पास होंगे, आर वाई और बी, रेड येलो एंड ब्लू, ठीक है। रेड फेज से वाई फेज 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे होगा, वाई फेज से बी फेज अगेन 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे होगा और बी फेज से आर फेज अगेन 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पर होगा। तो जितने आपके टर्न्स आ रहे हैं वो सारे के सारे टर्न्स तीन फेज में डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक चीजें बताई। अब देखो इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक तो आपने देखा कि स्टेटर और रोटर या आर्मेचर एंड फील्ड दोनों हाई ग्रेडेड सिलिकन स्टील के लेमिनेशन से बनते हैं, ठीक है, हाई ग्रेडेड सिलिकन स्टील के लेमिनेशन से बनते हैं। अब देखो ये बाहर का हिस्सा, जैसा कि आपने पढ़ा था पहले भी, योक है, ये प्रोटेक्टिंग कवर है, ये मशीन को प्रोटेक्ट करता है। योक के बाद जो अंदर का हिस्सा है वो क्या है, आर्मेचर, दिस इज व्हाट आर्मेचर, ये अगेन सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है, और हाई ग्रेडेड सिलिकन स्टील के पतले पतले लेमिनेशन से बनता है और हर एक दो लेमिनेशन के बीच में माइका या वार्निस का एक इंसुलेशन का लेयर होता है और इन लेमिनेशन को एक साथ हम स्टैक करके आर्मेचर कोर तैयार करते हैं और आर्मेचर के इनर पेरीफेरी पे, अंदर के हिस्से पे हम स्लॉट्स कट करते हैं, उन स्लॉट्स में हम कंडक्टर्स को रखते हैं, जो कंडक्टर्स आपस में जुड़ करके वाइंडिंग बनाते हैं और ये वाइंडिंग थ्री फेस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, थ्री फेस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं आर्मेचर। अब देखो ये क्या है, जहां पे आपने कंडक्टर रख रखा है ये क्या है, स्लॉट्स, आर्मेचर के स्लॉट्स, ये है आर्मेचर स्लॉट्स, ठीक है। और ये जो हिस्सा बाहर का उभरा हुआ हिस्सा, ये क्या है, टिथ, दिस इज टिथ, स्लॉट एंड टिथ। अब ठीक है, देखो आप जो ये हमने अंदर जो ये कंडक्टर्स रखे हैं इसको आप क्या कहेंगे, आर्मेचर कंडक्टर्स, आर्मेचर कंडक्टर्स, ठीक है, ये तो हो गई आर्मेचर की बात। अब ये अंदर का जो हिस्सा, ये क्या है हमारी, रोटर, ठीक है, ये है आपका रोटर। अब रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होगी, इस तरह से हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है रोटर में, और फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई कौन सी होती है, डीसी सप्लाई। तो ये जो रोटर में आपने वाइंडिंग बनाया है ये है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब रोटर के यहां पे पोल्स होते हैं, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अगेन नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है, रोटर पोल्स, ये है रोटर पोल्स या मेन फील्ड पोल्स भी इसको आप कह सकते हैं, रोटर के पोल्स हैं या मेन फील्ड पोल, ठीक है। अब देखो ये जो स्पेस है ये आपकी पोल फेस है और पोल फेस पे यहां पे कंडक्टर्स रखे हुए होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं
यहाँ पे इस तरह से कंडक्टर्स रखे हुए होते हैं। यहाँ पर भी आप कंडक्टर्स को रख लो। इसको हम कहते हैं डैम्पर बार्स, डैम्पर बार्स, डैम्पर बार्स या डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है, डैम्पर बार्स या डैम्पर वाइंडिंग। अब ये क्यों होता है ये भी मत पूछना। डैम्पर वाइंडिंग जो है हम बेसिकली हंटिंग, एक प्रॉब्लम आती है सिंक्रोनस मशीन में, उसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे हम डैम्पर वाइंडिंग रखते हैं, ठीक है। तो उतना आपको जानना नहीं है, ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन आप तैयार कर लेंगे। और ये इसका स्टैंड है, हमने यहाँ पे इसको सपोर्ट दे दिया, ठीक है। दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ये पार्ट्स को आप याद रखेंगे और यही हमारी रोटेट करती है। पूरा हिस्सा शाफ्ट पर माउंटेड होता है, यहाँ पे शाफ्ट होती है और उस पर ये आपकी रोटेट होगी। तो दिस इज फोर पोल सिंक्रोनस मशीन, ये फोर पोल सिंक्रोनस जनरेटर है, ठीक है। ये हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात की। अब एक टर्म मैंने आपको बताया था सिंक्रोनस स्पीड। अब सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है देखो, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। द स्पीड एट विच, द स्पीड एट विच स्टेटर एमएमएफ, द स्पीड एट विच स्टेटर एमएमएफ, एमएमएफ कह लो या स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, द स्पीड एट विच स्टेटर एमएमएफ या स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स इन द एयर गैप, द स्पीड एट विच स्टेटर एमएमएफ या स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स इन द एयर गैप इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। मतलब ये जो स्टेटर की एमएमएफ है, ये स्टेटर की एमएमएफ, ये स्टेटर है, आप इसमें सप्लाई देंगे, सप्लाई देंगे तो क्या बनेगा, थ्री फेज सप्लाई देंगे। तो बाय द वे इसमें अगर ये मोटर है तो आपने थ्री फेज सप्लाई दी, या जनरेटर है तो थ्री फेज सप्लाई जनरेट किया। यहां पे एक स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड पे, ये स्टेटर और रोटर के बीच में क्या है, एयर गैप है, जिस स्पीड पे इस एयर गैप में रोटेट करती है उसी स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, ठीक है। फिर से, स्टेटर एमएमएफ या स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप में जिस स्पीड पे रोटेट करती है उसी स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। इसको हम एनएस से दिखाते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है एनएस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी। यहां पे पी क्या है, नंबर ऑफ पोल, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, एनएस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। अच्छा, अब आप एक बार बता दीजिए मुझे कि सिंक्रोनस स्पीड की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सोच लो आप एक मिनट। देखो, सिंक्रोनस स्पीड की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, 50 हर्ट्ज पे हम पावर जनरेशन करते हैं। अच्छा, अब पोल की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए तभी ये मैक्सिमम होगी एनएस, तो पोल की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, दो। अगर आप इसको सॉल्व करो तो 12 × 50 ये 6000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितनी आ गई, 3000 आरपीएम। मतलब जो एनएस होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी, अगर दो पोल की मशीन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 3000 आरपीएम। 3000 आरपीएम विच इज अ ह्यूज स्पीड, 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट ये रोटेट करती है, ठीक है, दो पोल की। अगर ये चार पोल की मशीन हो जाए तो कितनी होगी, 1500 आरपीएम। अगर ये छह पोल की मशीन हो जाए तो कितनी हो जाएगी, 1000 आरपीएम। अगर एट पोल की मशीन हो जाए तो 750 आरपीएम। लाइकवाइज, जैसे जैसे नंबर ऑफ पोल इसके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड घटती जाएगी, घटती तो जाएगी लेकिन फिक्स होगी। अब तो इसका मतलब क्या है कि सिंक्रोनस जनरेटर की आप खासियत कह लो या इसकी कमी कह लो, ये एक फिक्स स्पीड पे रोटेट करेगी, उसके अलावा किसी स्पीड पे रोटेट नहीं करेगी, तो उस स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है सिंक्रोनस स्पीड। तो ये हमने इसके बारे में मोटे तौर पे पढ़ा। अब देखो, जो इसमें रोटर है, कितने तरह का रोटर हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं, दो तरह का रोटर हम इसमें लेते हैं। एक होता है सेलियंट पोल रोटर, थोड़ा सा आप डिफरेंस इसमें देख लें, सेलियंट पोल रोटर, और दूसरा होता है सिलिंड्रिकल रोटर, सिलिंड्रिकल रोटर। अभी जो आपने यहां पे देखा है, दिस इज सेलियंट पोल रोटर। सेलियंट का मतलब क्या होता है, ये उभरा हुआ रोटर होता है, प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ इस तरह से उभरा हुआ होता है। एक सेकंड में हम इसका कंस्ट्रक्शन यहां पे देख लेते हैं। तो देखो, इस तरह से ये होता है, इस तरह से यहां पे ये रोटर का कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड, ये रोटर का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब इस, ये जो रोटर होता है ये कैसा होता है, ये सिंपल जैसा आप स्टेटर होता है उसी तरह से ये रोटर होता है,
इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, स्लॉटेड कंस्ट्रक्शन जिसको आप कह सकते हैं, स्लॉटेड कंस्ट्रक्शन इस रोटर का होता है। ऐसा ही कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन है, अब दोनों में हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए इसकी जो साइज होती है आप देख सकते हैं ये बड़ी साइज की होगी, ठीक है, बड़ी साइज की होगी, और ये बिल्कुल सॉलिड होता है, सॉलिड सॉलिड कोर कंस्ट्रक्शन इसका होता है, ठीक है। तो ये जो है लार्जर इन साइज होती है, मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दे रहा हूं, लार्जर इन साइज, ठीक है, और ये क्या होगी स्मॉलर इन साइज, साइज इसकी छोटी होगी, ठीक है, पहली चीज हो गई है। अब ये दूसरा पॉइंट हो गया कि इसकी साइज बड़ी होगी, इसकी साइज छोटी होगी। अच्छा अब देखिए तीसरी बात, अगर ज्यादा इसकी साइज बड़ी है, साइज बड़े होने का मतलब क्या है, इसकी डायमीटर ज्यादा होती है, अगर इसकी डायमीटर होगी ज्यादा होगी तो क्या करेंगे हम, ज्यादा नंबर ऑफ पोल को आप इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं। सो लार्जर नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स कैन बी एकोमोडेटेड, कैन बी एकोमोडेटेड, एकोमोडेटेड, ज्यादा नंबर ऑफ पोल को आप इसमें रख सकते हैं। और इसमें क्या है, अगर इसकी साइज छोटी है तो फ्यूअर, बहुत कम नंबर ऑफ पोल को, फ्यूअर नंबर ऑफ पोल को कैन बी एकोमोडेटेड आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है, इसमें फ्यूअर, बहुत कम नंबर ऑफ पोल को आप रख पाएंगे। अच्छा अब और देख लो आप, अगर फ्यूअर नंबर ऑफ पोल है तो अगर नंबर ऑफ पोल ज्यादा तो स्पीड क्या हो जाएगी, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी, तो एफ तो फिक्स है, तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ पोल तो इसकी स्पीड क्या होगी, एन एस इसकी क्या होगी, स्मॉलर, सिंक्रोनस स्पीड इसकी स्मॉलर होगी, इट रन्स एट स्मॉलर स्पीड, ज्यादा स्पीड पे ये रन नहीं करती है। और इसमें अगर नंबर ऑफ पोल कम है तो इसकी एन एस क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें दो पोल या चार पोल से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत नंबर ऑफ पोल, 24 पोल, 28 पोल, इस तरह से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पोल इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉलर स्पीड पे रन करेगी और ये लार्जर स्पीड पे रन करेगी, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट हम देखें, देखो अगर आप देखो यहां पे आप इस तरह बाहर जो कंस्ट्रक्शन है ये क्या है, स्टेटर, ठीक है, मतलब आपकी आर्मेचर है। तो अगर आप गौर करिए तो आर्मेचर और रोटर, मतलब स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप है, देखो यहाँ पे मिनिमम है, और जैसे जैसे आप इस तरफ आएंगे तो एयर गैप क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जो एयर गैप है ये क्या है, मैक्सिमम है, फिर इधर आप जाएंगे तो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक जगह बिल्कुल कम है, एक जगह बिल्कुल ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, अगर ये बाहर का कंस्ट्रक्शन, ये आपकी स्टेटर है मतलब आर्मेचर है, तो ये जो एयर गैप है ये ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसमें एयर गैप जो है वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। और इसमें अगर एयर गैप की हम बात करें तो ये क्या होगी, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो अच्छा इसमें एयर गैप मिनिमम कहां होती है, एयर गैप यहां पे मिनिमम होती है पोल सेंटर्स पे, एयर गैप मिनिमम होगी पोल के सेंटर पे, आप देख लो यहां पे देख सकते हैं आप, एयर गैप मिनिमम है। और मैक्सिमम कहां पे होगी, इन बिटवीन द पोल्स, मैक्सिमम इन बिटवीन द पोल्स, ये हमारी एयर गैप जो है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन और भी इसमें डिफरेंस है, उतना डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे। एप्लीकेशन, अब देखो ये कम स्पीड पे रोटेट करती है तो इसका इस्तेमाल हम हाइड्रो पावर स्टेशन पे करते हैं, ठीक है, हाइड्रो पावर स्टेशन पे हम करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन पे, ये काफ़ी तेज रन करती है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे रोटेट करती है, थर्मल पावर स्टेशन पे या स्टीम टरबाइन में जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे तो थर्मल पावर स्टेशन पे इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो स्टीम टरबाइन या गैस टरबाइन जहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे हम सिलेंड्रिकल रोटर का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे हम हाइड्रो पावर स्टेशन हो तो वहां पे हम सेलिएंट पोल अल्टरनेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है, कई बार पूछ दिया जाता है, आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इसमें बहुत ज्यादा चीज हमें नहीं पढ़नी है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कैसे ये ऑपरेट होती है। तो आप सबसे पहले इसको समझ लें, हम देखो एक बार डायग्राम यहां वापस बनाना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे में डायग्राम बनाता हूँ। देखो मैंने कहा आपको आर फेस, आर में हमने दो कंडक्टर कम से कम रखा, आर आर डैश, फिर इसके बाद वाई में हमने दो कंडक्टर कम से कम रखा,
वाई वाई डैश, और फिर बी में हमने दो कंडक्टर कम से कम रखा, बी बी डैश, और हर एक फेज एक दूसरे से 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे, ये आपको ध्यान रखना है। हर एक फेज में ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए कम से कम दो कंडक्टर होना चाहिए, तो हम मिनिमम पे काम करते हैं, मैक्सिमम पे तो फिर कंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आर फेज में दो कंडक्टर रखा, वाई फेज में दो कंडक्टर रखा वाई वाई डैश, और बी फेज में दो कंडक्टर रखा, आर वाई के बीच की दूरी 120 डिग्री, वाई बी के बीच की दूरी 120 डिग्री, और बी और आर के बीच की डिग्री 120, बीच की दूरी 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो बीच में हमने यहाँ पे मान लो रोटर बना दिया, दो पोल ही लेते हैं, सिंपल कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, दो पोल की मशीन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये हमारी दो पोल बन गई। अब इसमें फील्ड वाइंडिंग हम देते हैं, इस तरह से हमने फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई होती है, हम यहाँ पे दे देंगे। अब समझो आप, अच्छा एक पॉइंट आप इसमें और लिख सकते हैं, एक पॉइंट आप और अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे ये सेवेंथ पॉइंट में, इसमें जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती है, दो चार पांच स्लॉट्स छह स्लॉट्स में ही सारे के सारे कंडक्टर्स को हम इसमें रख देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। और इसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, चूंकि यहाँ पे ये स्लॉट्स इस तरह से स्लॉटेड कंस्ट्रक्शन है, तो वाइंडिंग को हम एक कंडक्टर यहाँ रखा, अगला कहीं और रखा, तीसरा कहीं और रखा, चौथा कहीं और, एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंस्ट्रक्शन हम बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंस्ट्रक्शन क्या करता है, वो जो आपकी रोटर की पेरिफेरी है वो उसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रदान करता है, ठीक है, चूंकि जब ये मशीन हेवी वोल्टेज हेवी करंट पे काम करता है तो उस समय हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती है, हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वो हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या कर सकता है, जो वाइंडिंग है उसको अपने जगह से डिसलोकेट कर सकता है, मतलब ये कंडक्टर यहाँ इसको खींच के कहीं और कर देगा, या उसको रिपेल करके कहीं और कर देगा। तो इस तरह की चीज़ नहीं हो तो वाइंडिंग को हम टाइटली बाइंड करके रखते हैं, टाइटली हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके बाइंड करके रखते हैं, ताकि अगर हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हो तब भी ये अपने जगह से डिस्प्लेस ना हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, छोड़ो अब हम प्रिंसिपल पर बात करते हैं। तो अब सबसे पहले आप इसको समझिए, जो मैं बता रहा हूँ आप इसको नोट करते जाएं। देखो, व्हेन द रोटर इज रोटेटेड एट सिंक्रोनस स्पीड विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, पहले आप समझ लो ये रोटर है, अब इस रोटर को आपको रोटेट कराना है, अगर ये जनरेटर है तो जनरेटर पावर जनरेट करने के लिए रोटर आपकी रोटेट होनी चाहिए, तो रोटर कैसे रोटेट करेगी भाई, तो रोटर को आप किसी प्राइम मूवर मतलब ऐसा कोई सोर्स जो रोटर को रोटेट कराए, तो प्राइम मूवर क्या हो सकता है, प्राइम मूवर आपका स्टीम टर्बाइन हो सकता है, गैस टर्बाइन हो सकता है, तो इस प्राइम मूवर की मदद से हम इस रोटर को स्टीम सप्लाई हमने दी और वो क्या करेगा, इसको टर्बाइन रोटेट करना शुरू करेगा, जब टर्बाइन रोटेट करेगी तो ये हमारे अल्टरनेटर के रोटर को भी रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो किसी भी प्राइम मूवर की मदद से हम इस रोटर को रोटेट कराते हैं सिंक्रोनस स्पीड पे, ठीक है। नाउ व्हेन द रोटर इज रोटेटेड एट सिंक्रोनस स्पीड, अब रोटर हमारी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रही है, एंड इट्स फील्ड वाइंडिंग इज डीसी एक्साइटेड, आपने इसको सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट किया और इसकी फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दे दिया आपने, ठीक है। व्हेन द रोटर इज रोटेटेड एट सिंक्रोनस स्पीड एंड इट्स फील्ड वाइंडिंग इज डीसी एक्साइटेड, तो अब क्या होगा, ये तो आपकी रोटेट कर रही है किस स्पीड पे, सिंक्रोनस स्पीड पे, तो जो आपके स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर्स हैं उसमें फ्लक्स कटिंग होगी, फ्लक्स इंटरलिंक होगी, देन देयर विल बी फ्लक्स कटिंग इन स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर्स, और जब स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर्स में फ्लक्स कटिंग होगी तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालेंगे, और जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी वो ई इज इक्वल टू बी एल वी के द्वारा हम निकालेंगे। तो आप नोट करो, व्हेन द रोटर इज रोटेटेड एट सिंक्रोनस स्पीड विद द हेल्प ऑफ अ प्राइम मूवर एंड इट्स फील्ड वाइंडिंग इज डीसी एक्साइटेड, देयर इज फ्लक्स कटिंग इन स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर्स, देयर इज फ्लक्स कटिंग इन स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर्स एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ
is given by Fleming's right hand rule and its magnitude is given as E is equal to BLV. Its magnitude is given as E is equal to BLV. ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होगा जिसको आपने नोट किया. अब देखो हम देखते हैं कि भाई इसमें किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होती है और कैसे उसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे. तो अब आप समझिए, एक डायग्राम हम और बना लेते हैं. तो जैसे आपने जो भी देखा वो कुछ इस तरह से देखा कि आर आर डैश, ये वाई वाई डैश एंड दिस इज बी बी डैश. और इसमें आपने यहाँ पे एक रोटर रख लिया, रोटर को आपने सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करा दिया. तो आपने एक चीज देखा कि यहाँ रोटर में डीसी सप्लाई आपने दी थी, तो इसका मतलब क्या है, एक बार जो है वो करंट यहाँ अंदर की तरफ जाएगी या बाहर की तरफ. और तो अगर यहाँ करंट बाहर की तरफ जा रही है तो यहाँ करंट अंदर की तरफ जाएगी, ऐसा ही होगा. तो मान लो यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रही है, सॉरी बाहर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे करंट क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी. ठीक है, इस तरह से सप्लाई जा रही है. तो अब इसमें पोल्स कैसे बनेंगे, पोल हम सबसे पहले देख लें. तो देखो आप क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में इन फिंगर्स को आप स्ट्रेच करते हैं, तो जो ये डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. तो देखो इस तरह से अगर हम करंट की डायरेक्शन, यहां से करंट अंदर यहां से बाहर, तो थंब की जो डायरेक्शन होगी यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन. मान लो ये इसको हमने कह दिया बी. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा. आप जहां क्रॉस है वहां करंट अंदर ले जाओ हैंड को, और जहां डॉट है वहां से आप हैंड को बाहर निकालो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है. अच्छा, पोल कैसे बनेंगे, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकले वहां पे नॉर्थ पोल, और जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आए वहां पे साउथ पोल. ठीक है, ये हमने बात की. अब आप देखिए रोटर आपकी रोटेट कर रही है, तो आपने क्या किया, रोटर को रोटेट कराया विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर एट सिंक्रोनस स्पीड, और रोटर में आपने डीसी सप्लाई दे दी, वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग में आपने डीसी सप्लाई दी. तो ये जो स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर से इसमें फ्लक्स कटिंग होगी, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे. अब देखिए ये अगर इस तरफ रोटेट हो रही है, अगर ये रोटर कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, तो जो आपको आर्मेचर के कंडक्टर से किधर जाते हुए दिखाई देंगे, इस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे. फिर से ध्यान दीजिए, अगर रोटर कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, तो इसकी रिलेटिव मोशन, जो आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं उसकी रिलेटिव मोशन किधर होगी, लेफ्ट वर्ड होगी. अगर ये इधर जाएगी, आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपको जो बाहर का बंदा है वो पीछे जाता हुआ नजर आएगा, तो ये जो है वो इस तरफ जाती हुई नजर आएगी. ठीक है, तो अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता है एम बी और ई. एम मतलब रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर थंब, बी मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पे मोशन ऑफ कंडक्टर किधर है, इस तरफ है, लेफ्ट वार्ड मैंने इधर बना दिया. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किधर होगी, अंदर की तरफ होगी. फिर से देख लो आप, रिलेटिव मोशन लेफ्ट वार्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अंदर की तरफ. तो हमने चूंकि ये सारे नॉर्थ पोल के ही अंडर आ रहे हैं, तो यहां पे हमने कर दिया क्रॉस, यहां पे हो गया क्रॉस. तो अगर यहां पे क्रॉस हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, डॉट. बात समझ में आ गई, इस तरह से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को निकालते हैं. अब हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी. सो हम लिखते हैं यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच कंडक्टर, हर एक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ईच कंडक्टर इज गिवन एज, तो उसको हम किस से निकालते हैं, ई इज इक्वल टू बी एल वी. ठीक है, तो अब जैसे कि वैल्यू आप निकालते थे, यहां पर भी हम वैल्यू को निकालते हैं. बी की वैल्यू हमने क्या ली थी, दिस इज एवरेज फ्लक्स डेंसिटी, तो आपने क्या निकाला था, फ्लक्स पर यूनिट एरिया. अब इसमें जो फ्लक्स होती है वो पर पोल में होती है, तो एक पोल पे अगर फ्लक्स फाई है, तो पी पोल पे फ्लक्स क्या हो गई, पी फाई डिवाइडेड बाई टोटल सर्फेस एरिया. तो सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप की होती है आर्मेचर, तो जो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी होगी सिलेंडर की, टोटल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगी, टू पाई आर एल या पाई डी एल. ठीक है, जैसा हमने डीसी में किया था यहां पर भी वैसा ही कर दिया. एल लेंथ ऑफ कंडक्टर हमने कैपिटल एल दिखा दिया, और वी, तो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू पाई एन. तो टू पाई एन
आप जैसे देखो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी वी की वैल्यू ओमेगा आर, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन एस इंटू आर। एन एस क्या हो गया, स्पीड इन आरपीएस। ये क्या है, स्पीड इन आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। चूंकि ओमेगा क्या होती है, इसकी वैल्यू रेडियन पर सेकेंड में होती है, तो एन एस हमने यहां पे पुट किया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पीड आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। लेकिन हमें यहां पे रिवॉल्यूशन पर मिनट में लेना होता है, तो हमने लिख लिया 2 पाई एन एस अपॉन, इसको 60 से हमने डिवाइड कर दिया। यहां पे एन एस क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट इंटू आर, तो 2 इंटू आर डी हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई डी एन एस अपॉन 60। ठीक है, अब यहां पे जो एन एस है ये क्या है, स्पीड इन आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यहां पे था आरपीएस। ठीक है, अब देखो आगे, अब इन तीनों वैल्यू को अगर हम पुट कर लें तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, बी। तो एवरेज आप फ्लक्स डेंसिटी यहां पे पुट करें, कितनी आ गई, पी फाइव डिवाइडेड बाई पाई डी एल इंटू पाई डी एन एस अपॉन 60। ठीक है, तो पाई डी एल यहां पे कैंसिल हो गई, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, पी फाइव एन एस अपॉन 60। ये आ गई क्या, इतनी वोल्ट। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड कहां पे निकला है, एक कंडक्टर में अभी निकला है। ये कौन सी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू आपने निकाली है, क्योंकि एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखो आप, ये हमारी निकली ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सिंगल कंडक्टर। एनएस की वैल्यू क्या होती है, एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। हम इसमें अगर पुट कर दें तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी फाइव 120 एफ अपॉन पी इंटू 60। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो आप, पी पी तो यहां पे कैंसिल हो गया, 60 यहां पे 2 बच गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 5 इंटू एफ। ठीक है, दिस इज, ये एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड हमने निकाला है किसमें, एक सिंगल कंडक्टर में। अच्छा, अब आप बात करिए, मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए कम से कम एक टर्न तो होना ही चाहिए, एक टर्न कम से कम होना चाहिए। तो एक टर्न होने का मतलब कम से कम कितने कंडक्टर होने चाहिए, 2 कंडक्टर होने चाहिए। तो अब मैं लिखता हूं ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न, पर टर्न, एक टर्न में कितना, एक टर्न में 2 कंडक्टर होते हैं, कुछ इस तरह से, एक टर्न में 2 कंडक्टर होते हैं। तो अब जो एवरेज ईएमएफ आ गई ये कितनी आ गई, 2 इंटू 2 फाई एफ। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 4 फाई एफ, कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 4 फाई एफ। ये हमने क्या निकाला, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ टर्न या पर टर्न। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब आप बात करो कि जो जनरली जो ईएमएफ दी गई होती है उसकी कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। तो अगर हम ई आरएमएस डिवाइडेड बाई ई एवरेज इसको निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, दिस इज इक्वल, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर। आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, इसको आप फॉर्म फैक्टर कहते हैं। और साइनोसॉइडल वेव के लिए, क्योंकि ये जो भी पावर जनरेट होती है एक साइन वेव होती है, साइनोसॉइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1.11 फॉर साइन वेव। ठीक है, साइन वेव के लिए। तो यहां पे जो ई आरएमएस है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जो आरएमएस वैल्यू है इसकी कितनी आ गई, 4 इंटू 5 एफ। तो यहां पे कितना आ गया, 4.44 इंटू 5 इंटू एफ, ये ई आर एम एस हो गई। इतना ई एम एफ इंड्यूस होगा पर टर्न, पर टर्न। ठीक है, इतना ई एम एफ, इतनी वोल्ट आ गई पर टर्न, ई एम एफ हमारी इंड्यूस हो गई। अब देखो ई एम एफ जो हम निकालते हैं वो सबसे पहली चीज किस में निकालते हैं, पर फेज में निकालते हैं। तो आर एम एस वैल्यू ही हम निकाल रहे हैं अब पर फेज में। ठीक है, अगर एक टर्न, मान लो एक टर्न में इतनी ईएमएफ इंड्यूस होती है, और अगर पर फेज में, टीपीएच इज द नंबर ऑफ टर्न्स, पर फेज में अगर मान लो 10 टर्न है एक टर्न में, एक फेज में, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने कर दिया 4.445 टीपीएच, जहां पे टीपीएच क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, एक फेज में इतनी ईएमएफ, इतना नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, पर फेज ईएमएफ, पूरे मशीन में एक फेज में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमने निकाल लिया। ईपीएच दिस इज इक्वल टू 4.445 इंटू एफ इंटू टीपीएच, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाती है, सो ईपीएच दिस इज इक्वल टू 4.445 एफ टीपीएच
एक दो टर्म और आता है, केडी और केपी। अब केडी क्या है, चूंकि वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और इसको हम कहते हैं क्वाइल पिच फैक्टर, क्वाइल पिच फैक्टर। अब चूंकि क्वाइल को हम शॉर्ट पिच करके रखते हैं, अब शॉर्ट पिचिंग क्या होती है आप यहां पे मत पूछना, आप बस ध्यान रखो फुल पिच्ड क्वाइल और शॉर्ट पिच्ड क्वाइल दो तरह की क्वाइल होती है, तो यहां पे हम शॉर्ट पिच क्वाइल लेते हैं, तो शॉर्ट पिचिंग के कारण यहां पे एक फैक्टर आता है जिसको हम क्वाइल पिच फैक्टर कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं तो हम 4.445 FTPH KP इंटू KD, इसको हम कहते हैं KW। KW क्या है, वाइंडिंग फैक्टर। ठीक है, ये क्या है, वाइंडिंग फैक्टर। तो KW इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, KP इंटू KD। KP मतलब क्या, क्वाइल पिच फैक्टर, KD मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो जो फाइनल फॉर्मूला हमने निकाला EPH का वो क्या हो गया, 4.445 FTPH KP इंटू KD। ठीक है, यही आपको डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये डेरिवेशन करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, फाई की वैल्यू क्या है, दिस इज फ्लक्स पर पोल, फाई इज फ्लक्स पर पोल। एफ क्या हो गई, दिस इज फ्रीक्वेंसी। टीपीएच नंबर ऑफ टर्न्स पर फेस, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेस, एक फेज में इतना नंबर ऑफ टर्न्स है। केपी क्वाइल पिच फैक्टर आपने अभी देखा, और केडी दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ईपीएच ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेज। ठीक है, अब ईएमएफ इंड्यूस्ड इसके पहले भी आप लिख लेना, आरएमएस वैल्यू ऑफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेज। ठीक है, तो ये हमने अभी इसको देखा, अब आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके इस पे आप कोई भी एक सवाल, मान लो एक सवाल आप नोट कर लो, लिख लो, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं। ए थ्री फेज फोर पोल अल्टरनेटर, अल्टरनेटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 1500 RPM, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 1500 RPM। इट्स आर्मेचर हैज 54 स्लॉट्स, इट्स आर्मेचर हैज 54 स्लॉट्स, एंड ईच स्लॉट इज कैरिंग, ईच स्लॉट इज कैरिंग 10 कंडक्टर्स, ईच स्लॉट इज कैरिंग 10 कंडक्टर्स। ए थ्री फेज फोर पोल ऑल्टरनेटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 1500 RPM, इट्स आर्मेचर हैज 54 स्लॉट्स, ईच स्लॉट इज कैरिंग 10 कंडक्टर्स। द फ्लक्स इज साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड फ्लक्स पर पोल, द फ्लक्स इज साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड फ्लक्स पर पोल इज 50 mW, 50 mW। सो कैलकुलेट फेज एंड लाइन ईएमएफ इंड्यूस्ड, कैलकुलेट फेज एंड लाइन ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, यही आपको सवाल बनाना है। अच्छा, एक चीज, केपी और केडी की वैल्यू के लिए आपको बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना है, अगर इसकी वैल्यू दी गई होगी आपके लेवल पे, वैल्यूज दी गई होगी, अगर नहीं दी गई होगी तो दोनों की वैल्यू आप 1 लेकर के चलेंगे, अगर नहीं दी गई होगी तो केपी और केडी की वैल्यू आप 1 लेकर के चलेंगे, और अगर दी गई होगी तो आप उसको वैल्यू लेकर के बनाएंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, आप इसमें जो सवाल है इसमें आप लिख लेना, कैलकुलेट फेज एंड लाइन ईएमएफ इंड्यूस्ड, फेज एंड लाइन ईएमएफ दोनों आपको निकालना है, फेज एंड लाइन ईएमएफ इंड्यूस्ड। आप एक चीज इसमें और ऐड कर लो, ए थ्री फेज स्टार कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड, ए थ्री फेज स्टार कनेक्टेड फोर पोल अल्टरनेटर। ठीक है, तो ये सवाल है। अब एक चीज देखिए आप, अगर फेज की ईएमएफ हमने निकाल लिया तो लाइन की ईएमएफ आप निकाल सकते हैं। अब कनेक्शन जनरली जो अल्टरनेटर है वो स्टार कनेक्टेड होती है जनरली, और अगर स्टार कनेक्शन है तो आपको अगर लाइन ईएमएफ निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, अंडर रूट थ्री ईपीएच, चूंकि ईपीएच इज इक्वल टू ईएल बाई अंडर रूट थ्री होता है, तो अगर आपको लाइन की ईएमएफ निकालनी है, स्टार कनेक्शन है तो आप अंडर रूट थ्री ईपीएच की वैल्यू निकाल, अगर डेल्टा कनेक्शन होगी तो दोनों सेम होगी लेकिन अल्टरनेटर में जनरली हम डेल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।